ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 17 नवंबर 2020, ट्यूजडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त हमने देखा निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से करेक्शन आया और टूवर्ड्स लगातार एक घंटा से टूवर्ड्स साउथ की तरफ निफ्टी इंडेक्स ट्रेंड हुआ। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट देखे तो नासडैक 94 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी हरे निशान में कल बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार जब आज खुल चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर को देखे तो अभी 63 निगेटिव यानी टूवर्ड साउथ की तरफ ये करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत इस समय हफ्ते के पहले दिन देखने को मिल रहे। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा ये जो वीकली चार्ट में हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था उसको अगर हम देखें तो इसने अभी 12,636, अगर फ्राइडे को अगर देखते तो 12,636 के पास ये क्लोज हुआ था और सैटरडे मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त ये एकदम से गैप अप ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए क्लोज हुआ। तो इसने अभी 12,636 को ब्रेक कर दिया है। अभी निफ्टी इंडेक्स ये जो लास्ट वीक का कैंडल है यानी 12,828 इसका हाई है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से हमें अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 12,600 फर्स्ट सपोर्ट होगा, उसको ब्रेक करता है तो यहाँ से करेक्शन आते हुए हमें नजर आ सकता है। तो निफ्टी अभी फिलहाल अनचार्टेड टेरिटरी में, यानी इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था इस लेवल के पास। तो यहाँ पर ऊपर अगर लेवल्स को प्रोजेक्ट करना है तो हम यहाँ पर स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के जरिए हम आने वाले लेवल के प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश है, ओवरबॉट है। अगर हम टू आरली चार्ट को देखें, ये इसे हमने जापनीज कैंडलस्टिक को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये जो अपसाइड मूव आया है, अगर इसको अगर हम आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो ऊपर प्राइस एक्शन में ये नए हाइज बना रहा है, लेकिन आरएसआई को देखें तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहा है। ये क्लियर कट डाइवर्जन है, निगेटिव डाइवर्जन है। प्राइस एक्शन तो ऊपर हायर हाइज बना रहा है लेकिन अभी तक आरएसआई ने यहाँ पर हायर हाइज नहीं बनाया। जो लास्ट टॉप था उसके नीचे ये टॉप बना है, यानी यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर प्राइस एक्शन में कोई भी रिवर्सल सिग्नल मिलता है, हालांकि दो दिन लास्ट हमने देखा एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल स्टिक बनाया था लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था डेली चार्ट में उसका, सिर्फ कैंडल बना था हैंगिंग मैन जैसा। कन्फर्मेशन के लिए एक बियरिश कैंडल बनना जरूरी है और हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये एब्सर्ड अभी पैटर्न बन चुका है, एक घंटे का ट्रेडिंग था। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है यहाँ पर इधर इसको ये ब्रेक करता है, यानी पिवट पॉइंट के R1 के लेवल को यानी 12,823 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,838, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,855, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड कैंडल बना है उसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो कम्प्लीटली 12,741 को टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक होने दीजिए, फिर ही हम इसके लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
12,722 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल यानी 12,706 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।